भारत में रिकॉर्ड कोरोना केस के बीच अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी का नया अलर्ट। 6 फुट की दूरी आपकी सुरक्षा में नहीं है पूरी। कोरोना के बंद जगह पर फैलने का दावा। जी हां, अमेरिका की सबसे बड़ी जन स्वास्थ्य एजेंसी ने नया खुलासा किया है कि कोरोना वायरस 6 फुट की दूरी रखने पर भी फैल सकता है, खासकर बंद जगहों पर या फिर जहां हवा का प्रवाह खराब हो। लेकिन एजेंसी के अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि इन्फेक्शन का ऐसा प्रसार बहुत कम है और अब भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कारगर हैं। हालांकि रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के इस दावे पर कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वायरस CDC के बताए तरीके से ज़्यादा आसानी से फैल सकता है और उन्होंने लोगों से अपील की है कि बड़े खुले स्थानों जहां वो दूसरे लोगों से 6 फुट की दूरी पर हों, मास्क लगाकर रखें। वायरस हवा के माध्यम से फैल रहा है। 6 फुट से ज़्यादा दूरी पर भी मास्क ना उतारें। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डॉक्टर ने कहा कि वायरस हवा के माध्यम से फैल रहा है और इससे स्पष्ट और कुछ नहीं हो सकता। आप 6 फुट की दूरी पर भी सुरक्षित नहीं हैं। आप 6 फुट से ज़्यादा दूरी पर होने पर भी मास्क नहीं उतार सकते। CDC कई महीनों से कह रहा है कि वायरस एक संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर हवा में फैलने वाली छोटी बूंदों यानी एयर ड्रॉपलेट से फैलता है। CDC के सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी के अधिकतर दिशा निर्देश इस बात पर ही आधारित हैं कि दो लोग जिन्होंने मास्क नहीं पहना है उनके बीच 6 फुट की दूरी उचित है। एजेंसी ने वेबसाइट पर जारी जानकारी में इस बात को मंजूर किया कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों ने 6 फुट से ज़्यादा दूरी बनाए रखने वाले लोगों को भी संक्रमित किया। हालांकि CDC ने ऐसे मामलों को सीमित असामान्य परिस्थिति करार दिया। CDC के अफसरों ने बताया कि उन मामलों में लोग हवा के खराब प्रवाह और बंद जगह पर एक्सरसाइज या गाना गाने जैसी गतिविधियों से जुड़े थे, जिससे उनकी सांसें तेज चलने लगी और वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल गया। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, पंजाब केसरी।